तीसरा दिन है दीपांशु भाई के साथ, अभी तीसरा शायद दूसरा, अभी हम जा रहे हैं, तीसरा ही मान ले यार, परसों सुबह पहुंचा था मैं, अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन और आज ये पूरा प्रबंध करके आ रहे हैं मुझे यहाँ से निकालने का। नहीं, भाई भाई आ ना जाए दोबारा, नहीं हम तो चाह रहे हैं कि कल भी रुके यहीं पर, हम तो लालच दे दे के थक गए, लालच दे दे के थक गए, पर आज पूरा मूड बना लिया भैया ने, ये आज तो जाना ही जाना है, तो इसलिए ऑनलाइन बुक नहीं हो रही थी तो डायरेक्ट वहीं पे जा रहे हैं। पहुंच गए हम वकजाल, अभी ट्रेन की टिकट देखते हैं किस टाइम की मिलती है भैया को, और भैया ने कराई नहीं हो तो मतलब थोड़ा डर डर मिली नहीं, ट्रेन नहीं मिली, भैया भी जाएंगे बस से। आप देख सकते हैं पीछे ट्रेन का, और जय भारत, जय हिंद, जय भारत। अभी खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे बस के, क्योंकि ट्रेन तो कर नहीं पाए, करवाई नहीं, भैया को लगी नहीं अच्छी, वो टाइम मैच नहीं कर रहा था, अभी बस स्टेशन पाए हैं तो बस करा लिए। चलो दिखाते हैं भैया को, अभी हम भैया भी बिजी हैं, वो अपना व्लॉग बना रहे हैं। फाइनली निकाल दिया प्लान बना, नहीं निकाल नहीं रहे भैया, अपने आप निकल रहे हैं, भैया की खुद मर्जी है भाई। यार सच यार, इन्होंने बताया जबरदस्ती जा रहे हैं, बिल्कुल गया कल दोपहर को, मेरा निकलने का प्लान था, फिर वो नहीं यार बस आ गए कल जाएंगे, आज दोपहर को निकलने का प्लान था, वो भी कैंसिल हुआ, छोड़ यार रात को निकलते हैं, सोच रहे हैं कि शायद बस ही पोस्टपोन हो जाए तो नहीं यार अब नहीं होगी, क्योंकि अगर बस पोस्टपोन करते ना तो जो क्यू के अंदर मुझे एक दो चीज़ें करनी वो रह जाएंगे यार, प्रीपियत रह जाएगी, वो टनल्स वाले टूर है ना, वो थोड़ी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं यहाँ पे, लड़कियाँ और लड़के कैसे चलते हैं, चल के दिखाना दीवांशु भाई, बता रहे घोड़े की तरह चलते हैं, चलो भैया दोनों चलते हैं, ये ऐसे चलते हैं। दीपांशु भाई बता रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल्स होते हैं, दीपांशु भाई जब शुरू में जब दीपांशु भाई आए तो वो भी ऐसे ही चलने लगे थे। टिकट तो हो गई, अभी हम जा रहे हैं पोर्ट दिखाते हैं भैया को, सीढ़ी वगैरह वो पार्क, क्योंकि अभी सब कुछ घूम तो लिया है भैया ने अड्डेसा में, वही चीज़ें रहती है वो दिखा देते हैं। अभी हम भैया को यहाँ पे लेकर आए हैं, जो यहाँ का मतलब फेमस शोरमा है अलीबाबा, उधर लेकर आए हैं भैया को, भैया का शोरमा खाने का मन था वैसे भी, और हम भी चाहते थे कि अगर यहाँ पे आए तो ये शोरमा तो खिला के बेचेंगे। भैया बात करो, अंधेरा हो गया यहाँ पे स्टार्ट, अभी भी हम शोरमा खा के निकले हैं, और सोच रहे थे फोटो वोटो खिंचवाएंगे भैया के साथ अच्छे अच्छे, अभी अंधेरा हो गया तो शायद इतने अच्छे फोटो नहीं खींच पाएंगे। आ गया हम अड्डेसा के पोर्ट पे, इधर ये खड़ी है यहाँ पे, भैया बोल रहे हैं कि हमें मतलब राइड कर सकते हैं क्या, अभी सर्दियों में तो बंद है इसलिए नहीं जा पाएंगे, गर्मियों में चलते हैं क्रूज वगैरह। हमसे भाई भैया अभी बैटरी चार्ज ऑन कर रहे हैं, क्या कट आउट हो गया, भैया बाय। अभी भैया अपनी नई वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, फुल मज़ा आया, पूरा दिन घूमे उनके साथ, टिकट विकेट करा के पोर्ट वोट घूम के आए अभी, और अभी भैया कुछ नई वीडियो तैयार वो कर रहे हैं, रेडी प्रिपेयर, उसके बाद जाते हैं, अगर खाना वाना खाएंगे 1 बजे की फिर उनकी बस है बस। यहाँ के बुज़ुर्ग देख लो ऐसे हैं बस बेचारे,
तो हमजा भाई गैर हो गए क्या? कैमरा टूट गया यार। गाइज अभी हम लौट चुके हैं घर, घर वापस आ गए, पूरा दिन भैया के साथ पूरी मस्ती की, मजा आया बहुत। अभी थोड़ा भैया तो यार भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, हमजा भाई और ओएस भाई अगर उस दिन नहीं बोलते ना तो मैं शायद यहाँ पे नहीं आता। और हम तो चाहते मेरे लाइफ का ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये, लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं किसी इंडियंस के साथ मैं बाहर रुक रहा था। अब ऐसा है कि जिनके जैसे शुभम के साथ मैंने ट्रैवल किया, नोमैड शुभम, उसके साथ वो हम दोनों बाहर से मतलब हम दोनों ही ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि भाई जो बाहर इंडियंस रहते हैं उनके साथ मैं रहा। और मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया था, जैसे मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे ओडिशा पहुँचा था शायद 4 तारीख को और 5 को मेरे को अगले दिन निकलना था, कल निकलना था मेरे को, लेकिन यार मेरे को यहाँ पे आना एकदम चिल वाइब्स आ रही थी। फिर मैंने सोचा यार एक दिन और रुकता हूँ, तो कल रुक गया। फिर मैंने कल प्लान किया था कि भाई आज मैं दोपहर को 12 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन यार टाइम का पता नहीं चला, मन नहीं कर रहा था मेरा जाने का। फिर फाइनली मैंने टिकट बनवाई है ताकि यार मैं चला जाऊं, नहीं मेरा जाने का अब भी मन नहीं कर रहा है। और ये सब है ना मेरे कारण नहीं है, तुम भाइयों के कारण हो पा रहा है भाई सच में। और ये कोई वीडियो चल रही है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा यार, थैंक यू यार भाई। और तो गाइस जो लोग मुझे देख के इधर आए हो, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ओएस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी करिए। तो थैंक यू भैया। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको भैया के साथ हमारी जर्नी, कैसा लगा आपको देख के बताएं। थैंक यू भाई, टेक केयर भैया, ओके केयर भाई, बाय बाय बाय, ठीक है भाई, थैंक यू, ठीक है भैया, फोन कर देना।